हेलो माय डियर लियो, सो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। आपके लव लाइफ की जो ओपनिंग होने वाली है नेक्स्ट चैप्टर की, उसमें आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कैसे पर्सन की एंट्री हो सकती है, कैसा आपका लव लाइफ होगा, और जो आपके लव लाइफ में आएंगे क्या वो पास्ट के होंगे या प्रेजेंट के होंगे, कोई क्रश होंगे या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लव लाइफ में आएंगे, और उनका आपके लिए कैसा कमिटमेंट होगा, ठीक है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। क्या फ्यूचर हो सकता है, आखिर उस पर्सन से आपको क्यों मिलवाया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी है, सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, और टाइमलेस रीडिंग होगी आपकी, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ मैटर करता है कि आपका जो है सिंह राशि लियो राशि जो है होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस पर्सन का क्या नेम इनिशियल है, कब मिलेंगे, कौन से स्टेट के हैं, क्या लव लेटर देना चाहते हैं और क्या लव सॉन्ग्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, कैसे पर्सन की एंट्री हो रही है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। दो कार्ड तो मैंने यहाँ पर ले लिया है और मैं आपको बताऊँगी कि आपके पर्सन कैसे हैं इन सारे कार्ड्स के थ्रू। फिर मैं आपको लव लाइफ भी बताऊँगी कि लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, फर्स्ट वाओ, एम्परर की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, वाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अगर कोई लोग है, कुछ लोग हैं सामने सोशलाइजिंग कर रहे हैं, तभी वे एकदम शांत रहेंगे, ठीक है, एकदम शांति से बैठे हुए रहेंगे। और जैसे ये पर्सन अपने लोगों के बीच में आए या फिर अकेले हैं, तब आप देखोगे कि ये अपने ट्रू सेल्फ में रहेंगे। मतलब ये जो पर्सन है लोगों के साथ घुलने मिलने में या लोगों के साथ बैठे हैं, काम है तो वो अपना कर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ये पर्सन वैसे लोगों के साथ बैठे हुए, ये उतना सिक्योर नहीं फील करते होंगे या उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते होंगे, लेकिन आपके साथ इनको पता नहीं कुछ अलग सा फील होगा, बहुत नेचुरल एंड बहुत अपनापन सा फील होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके सामने एकदम झूम उठेंगे, एकदम मस्त हो उठेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी मैं क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि कैसे है, देख सकते हो दोनों कार्ड ही बहुत ब्यूटीफुल है, और दोनों ही कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, आपके जो पर्सन है ये, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो सकती है, और ये जो पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके साथ रहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले हैं, इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे बर्डन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले पर्सन हो सकते हैं, जो भी है लेकिन अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, ये सारी चीज़ों को करके ये अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत एडवेंचरस है, इनको सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, ये सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही इंस्पायर करने वाले, मोटिवेट करने वाले पर्सन हैं, इनकी जर्नी बहुत ही अलग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इस जर्नी में आप शामिल होने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जर्नी में आप शामिल होगे, ठीक है, इस पर्सन के साथ होगे, और यहाँ पे इनके ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन ये इस जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे कि देखो इतनी अच्छी पार्टनर मुझे या इतना अच्छा पार्टनर मुझे मिल चुका है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से झूम उठे हैं। ओके, तो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड बहुत ज़्यादा शांत फील करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो इंसान काफ़ी डिप्लोमेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी पढ़े लिखे मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये ऐसा रिश्ता नहीं चाहते जहाँ पर स्टेबिलिटी ना हो, ये चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा रिश्ता मिले जहाँ पे समझदारी हो, जहाँ पे प्यार हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तरफ से इनको ऐसा लगेगा कि आप भी बिल्कुल इनके जैसे ही हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि आप भी समझदार हो, आप भी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ चाहते हैं, तो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको पसंद करेंगे। वैसे तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ ये पर्सन बहुत सारे लोगों से मतलब मिले हैं, ठीक है, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियों के लाइफ में आए, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेकिन कोई इनको सही नहीं लगा, कोई परमानेंट टिकने वाला नहीं लगा। ओके, तो आप इनको लगोगे और ये पर्सन आपके साथ होंगे। ओके, ये चीज़ है, और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ
स्टेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्टडीनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, ये पर्सन हमेशा आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आप चाहते हो, ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ में प्रोग्रेस के लिए आ सकते हैं, मतलब आपका प्रोग्रेस कराने के लिए, मतलब आपका इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लव हो सकता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म तो होगा ही होगा, ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत सारे अवार्ड भी हासिल किए हैं, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये टीम वर्क की है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लीडरशिप रोल निभाए हैं, और जैसे कि ये स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं, स्टेट लेवल पे हो सकता है इन्होंने मतलब बहुत सारा गेम खेला हो, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है ये अपने तरीके से ज़िंदगी को जीने वाले, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अपने तरीके से, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाने वाले हैं। और आपके जो पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एथलेटिक पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। पर्सनैलिटी लुक्स वाइज अगर बात की जाए तो पर्सनैलिटी बहुत अमेजिंग होगी इस पर्सन की, खुले हुए हेयर इनके हैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट जॉब में हुए तो इनकी जॉब बहुत गजब की होगी, अमेजिंग होगी। हाँ, बहुत हेक्टिक हो सकता है, लेकिन ऑफिसर होंगे आपके पर्सन, और आपके पर्सन किसी भी मामले में डरपोक नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। फेमिनिन पावर इस पर्सन के अंदर होगा, लेकिन आपके जो पर्सन है ये किसी भी तरीके से डरपोक नहीं होंगे, इमोशंस से जुड़ते होंगे लोगों से, ठीक है, समझते होंगे, और ये हर एक इंसान के अंदर होना भी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में ना अभी भी बहुत सारे लोगों से, जैसे इनके कुछ दुश्मन हैं, लोग इनसे कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके रिलेटिव ही इनको हराने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पैर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। सबसे पहले आपके पर्सन का नेम इनिशियल जे हो सकता है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, मैं सब बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो एल भी हो सकता है, उसके बाद और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, डी आर, उसके बाद क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एक्स, देन यहाँ पे एस है आपका, ओके, ए एन सी, लास्ट है आपका एफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एनेस्ट आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनेस्ट आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में है, कोई भी कंट्री से हो तो भी आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। मार्च और अप्रैल के टाइम में ये पर्सन आपको मिले हैं, ओके। उसके बाद समर के टाइम में हो सकता है ये पर्सन आपको मिले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन आपको कब तक मिल सकते हैं, 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में आपको ये पर्सन मिलेंगे, ओके। उसके बाद ये पर्सन आपको हो सकता है कि अगस्त और सितंबर में मिले हो, ओके, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और मे भी ये पर्सन आपको विंटर सीजन में मिल सकते हैं, 2 महीने के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। 2 महीने के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आ जाएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके जो पर्सन है ये कौन से स्टेट के हैं मैं आपको बता दूँ, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपके पर्सन तेलंगाना के हो सकते हैं, देन ये जो पर्सन है आपके हो सकते हैं त्रिपुरा, उड़ीसा, एंड लास्ट 2 है वो है आपका दिल्ली, महाराष्ट्र एंड दादरा एंड दमन एंड दियो, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से लव सॉन्ग्स आपको डेडिकेट कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई करंट पर्सन है जो आपको प्यार करते हैं और उनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करने वाले हैं, और बहुत अच्छी होगी आगे आने वाली नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ की। बेटर बाय अनन्या बिरला एंड सॉरी बाय जस्टिन बीबर, ये दोनों सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं, और ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ,
मैं चाहता हूँ कि तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओ, अच्छी हो जाओ, अच्छे हो जाओ और मुझे एक चांस दो। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो आपको हर दिन आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और अपनी सारी गलतियों के लिए आपको सॉरी बोलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वैसे ये जो भी पर्सन होंगे आपसे बहुत कनेक्टेड होंगे और हमेशा ही ये पर्सन आपको बहुत मिस किया करेंगे। ये सारे मैसेजेस हैं पर्सनली के लिए, ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जीमेल एनएसटी आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। बाय बाय, टेक केयर।